हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा एंड देन हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस के फीचर्स को बताती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर्स द ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ की एंड हेल्पिंग बिहेवियर। टीचिंग मीन्स ट्रेनिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचर्स फंक्शन एज एबल फैसिलिटेटर्स एंड गाइड फॉर स्टूडेंट्स नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस। टीचिंग इज बेसिकली इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। Through effective teaching, students can be taught to become agents of their own learning. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ए सी एंड ई, यानी कि टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर्स द ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ की एंड हेल्पिंग बिहेवियर। इफेक्टिव टीचर्स फंक्शन एज एबल फैसिलिटेटर्स एंड गाइड फॉर स्टूडेंट्स नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस एंड थ्रू इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट्स कैन बी थॉट टू बिकम एजेंट्स ऑफ देयर ओन लर्निंग। ये तीनों क्या हैं? टीचिंग की इफेक्टिवनेस के फीचर्स हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रभावशीलता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करता है। शिक्षण में प्रभावी होने के लिए कुंजी और सहायक व्यवहार के आयोजन और एकीकरण की आवश्यकता होती है। शिक्षण का अर्थ है छात्रों के दिमाग को प्रशिक्षित करना। प्रभावी शिक्षक छात्र की ज्ञान निर्माण प्रक्रिया के लिए सक्षम सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षण मूल रूप से छात्रों को सूचित कर रहा है। प्रभावी शिक्षण के माध्यम से छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के एजेंट बनने के लिए सोचा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ए सी एंड ई। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स बीइंग प्रेजेंटेड। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विद फोकस ऑन रिमेंबरिंग द बेसिक फीचर अंडरलाइंग देम। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीड इन्फॉर्मेशन। कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामिन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर On interpretation of facts presented। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ए डी एंड ई, यानी कि गिविंग लार्ज नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स बीइंग प्रेजेंटेड। कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामिन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। सेम हिंदी में, समझ के स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण की बड़ी संख्या देना। उनके अंतर्निहित बुनियादी विशेषताओं को याद रखने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तथ्यों को प्रस्तुत करना। आवश्यक जानकारी तुरंत प्रदान करने का अवसर देना। किसी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष की जांच करने के लिए चर्चा आयोजित करना और छात्रों को प्रस्तुत तथ्यों की अपनी व्याख्या देने का अवसर प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ए डी एंड ई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, A student finds it difficult to understand, analyze, and interpret the concepts and principles relating to a subject formally prescribed. Which learned characteristics would be most relevant in such a situation to be probed? एक student क्या है, मुश्किल पाता है समझने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में concepts और principles को जो उसके subjects को formally prescribe करते हैं। तो इनमें कौन सी learned characteristics क्या हैं सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होंगी? ऑप्शन दिए गए हैं। एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, सोशल करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल और कॉग्निटिव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। सेम क्वेश्चन हिंदी में, एक छात्र को औपचारिक रूप से निर्धारित विषय से संबंधित अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना मुश्किल लगता है। ऐसी स्थिति में कौन से शिक्षार्थी विशेषताएं सबसे अधिक प्रासंगिक होंगी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक विशेषताएं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की हैं। पर्सनलाइजेस करिकुलम, रेयरली सीक्स फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द टीचर, सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर्स, लाइक्स टू कॉपरेट, प्रेफर्स टू वर्क अलोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ए सी एंड डी, यानी कि पर्सनलाइजेस करिकुलम, सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर्स एंड लाइक्स टू कॉपरेट। सेम हिंदी में, क्षेत्र पर निर्भर शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या हैं? पाठ्यक्रम को व्यक्तिकृत करना, शायद ही कभी शिक्षक के साथ शारीरिक संपर्क की तलाश करता है, शिक्षकों से मार्गदर्शन और प्रदर्शन चाहता है, सहयोग करना पसंद करता है, अकेले काम करना पसंद करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ए सी एंड डी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग आईसीटी सपोर्ट इज एप्लाइड। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको 4 मेथड दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन से मेथड नहीं जो है टीचिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लेक्चर मेथड, बस सेशन, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड मूक्स। मूक्स के फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। सेम हिंदी में, आईसीटी शिक्षण के किस तरीके में सहायता निहित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मूक्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद अ फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फोकसिंग ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, रिलेटिंग कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, formal interaction with teacher related to task at hand, preferring to complete rather than cooperate, preferring to cooperate rather than compete, perceiving global aspects of concepts and materials. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2nd, 5th and 6th, यानी कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? relating concepts to personal experience, preferring to cooperate rather than compete and perceiving global aspects of कंसेप्ट्स एंड मटेरियल्स। सेम हिंदी में, दी गई शिक्षार्थी विशेषताओं में से कौन से क्षेत्र निर्भर सीखने की शैली से जुड़ी हैं? तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित अवधारणाएं, हाथ में कार्य से संबंधित शिक्षक के साथ औपचारिक बातचीत, सहयोग करने के बजाय पूरा करना पसंद करना, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना पसंद करना, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताता है प्रेजेंट इवैल्यूएशन सिस्टम में इनोवेशन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सेमेस्टराइजेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली में नवाचारों का संकेत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरमेंट। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो टीचिंग के इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ और लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय टीचर्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स रेडी मटेरियल फॉर यूज, प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, अवेलेबल ऑफ स्मार्ट क्लासेस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2nd, 3rd and 5th। तो कौन कौन से आएंगे इसमें? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रेडी मटेरियल्स फॉर यूज, proactive moves in the interactive processes and available of smart classes। सेम हिंदी में, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सा अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है। शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों, तैयार सामग्रियों की अनुपलब्धता, इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। इसके करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। Next 9th question, when the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called जब टेस्ट डाटा जो है हमें बताता है कि स्टूडेंट के लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है उस डिफाइंड एरिया में, तो उस प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। हिंदी में, जब परीक्षण डेटा हमें एक परिभाषित क्षेत्र में छात्र की दक्षता के स्तर के बारे में बताता है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, मानदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। द मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पेयरिंग और इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। टीचिंग कैसे अलग है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से? ऑप्शन दिए गए हैं, डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, क्विक फीडबैक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि टीचिंग में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होगी तभी वो क्या है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से अलग होगा। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से किस अधिगम परिणाम के संदर्भ में शिक्षण के तौर तरीकों को परीक्षण या निर्देश से अलग किया जाना चाहिए? आंसर क्या है? आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।